अंग्रेज हमें 200 साल इकट्ठे गुलामी देके गए थे, ये हमारे वाले अंग्रेज जो हैं ये 5-5 साल की किस्तों में गुलामी दे रहे हैं, और क्या हो रहा है। और पक्का पता है 5 साल तू 5 साल मैं, अगर मैं आ गया मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा और अगर तू आ गया तो मुझे कुछ मत कहना। हम लोग लड़ाई करते रहते हैं, हम झगड़े में पड़ जाते हैं, ये इकट्ठे डिनर करते हैं। मैं चंडीगढ़ में एक होटल में गया, कांग्रेसी और बीजेपी वाले दोनों इकट्ठे बैठे डिनर कर रहे, मुझे बोले मान साहब आ जाइए। मैंने कहा यार अखबारों में जब बयान छपते हैं, टीवी पर जब आप बोलते हो तो ऐसे लगता आप एक दूसरे के बाल नोच लोगे यार, इतनी दुष्टता, तो इकट्ठे बैठे हो। कहते जी राजनीति से ऊपर उठकर बातें चल रही हैं। मैंने कहा जी हमारे गांव में हमने गंडासे उठा रखे हैं, हम एक दूसरे की बरात जाना बंद कर चुके हैं, खेल तो कांग्रेस की बरात है इसमें नहीं जाएंगे हम, हम एक दूसरे के भोग पर नहीं जाते, अफसोस करने नहीं जाते, ये तो बीजेपी वाले इन पर नहीं है, आप बैठे बैठे हो। सो भाई साहब ये सब मिले हुए हैं, सब रले हुए हैं, कभी वो इधर जाता है कभी वो इधर जाता है, देखते नहीं आप, इतने पैसे दे दो अब मैं इसमें हो गया, इतने पैसे दे दो दल बदली, खरीदने का काम आम आदमी पार्टी वालों को खरीद के दिखाओ ना, फिर बिकता वही है जो मार्केट में होता है, हमारे बारे मंडी में है ही नहीं, क्या कीमत लगा दोगे। अब तक जिनको हमने शासन दिया हमने उनके पक्ष में बहुत बार वोट किया, लेकिन उन्होंने हमारे पक्ष में कभी वोट नहीं दिया, उन्होंने हमारे पक्ष में कभी कानून नहीं बनाया, उन्होंने हमारे स्कूलों का पैसा खाया, उन्होंने गलियां नालियां उनका पैसा खाया, उन्होंने सड़कों का पैसा खाया, पढ़ाई का पैसा खाया, तो हमारा ये हाल है। दोस्तों अगर वही पैसा स्कूलों में लगा होता जैसे दिल्ली में लग रहा है, अगर वही पैसा बिजली पर लगा होता, वही पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा होता, तो ये देश नंबर वन देश होता, कोई कमी नहीं छोड़ी भगवान ने, हर किस्म का मौसम हमें दिया है, पहाड़ है हमारे पास, जड़ी बूटियां हैं हमारे पास, कोयला हमारे पास है, तेल है, समुंदर है, मारुथल है, क्या कमी है। एक कमी है, सच्ची नीयत वाले नेताओं की कमी है, अगर वो मिल जाएं तो ये देश बहुत आगे जाएगा।